छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। छाता तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिला अधिकारी श्वेता सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील छाता मनोज कुमार वाष्णेय, क्षेत्र अधिकारी छाता आशीष शर्मा, सभी विभागों के समक्ष अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 21 शिकायतें राजस्व विभाग की, 9 शिकायतें पुलिस विभाग की, बाकी की शिकायतें अन्य विभाग की हैं। इन शिकायतों में से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया है। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी। सत्ता दल पार्टी मथुरा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जाधव ने कस्बे में हो रहे अवैध धंधे के बारे में जानकारी देते हुए बताया। ये जो समाधान दिवस लगाया गया है उसमें कुल कितनी शिकायतें आई हैं? आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें आई हैं, जिसमें 21 राजस्व विभाग की हैं, 9 पुलिस विभाग से संबंधित हैं और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित हैं। सर, कितनी शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया? आज एक शिकायत का यहाँ पे निस्तारण किया गया है। अभी ये जो विकलांग की शिकायत लेके आया था, उसकी जमीन के बारे में क्या संज्ञान लिया है आपने? उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जमीन पे कोई और लोग जो है उनकी मैड़ तोड़ के कब्जा कर रहे हैं। उसके संबंध में कानूनों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो पुलिस बल के साथ पे जाके एक बार मौके पे जांच करें और देखें कि यदि कोई कब्जा है या कोई अनाधिकृत रूप से उस पे कब्जा किया जा रहा है, तो उसमें सहमति के आधार पर पैमाइश कराते हुए और उनको समझाते हुए उस कब्जे को मुक्त कराएं। अपना परिचय दें। जी, ओम प्रकाश सिंह जाधव, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, जिला अध्यक्ष मथुरा। सर, क्या कारण है जो आप शिकायत पत्र लेके समाधान दिवस में आए हैं? जी, यहाँ पे एक तो होटलों पे देह व्यापार चल रहा है, सट्टे का काम चल रहा है, गांजा है, ये उल्टे सीधे कर्म चल रहे हैं, माहौल खराब कर रखा है। वैसे राम राज्य बता रहे हैं, यहाँ पे तो रावण राज बना हुआ है। आपने शिकायत पत्र दिया है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन कह रहे हैं कि इसमें जांच करते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आपने तो पुलिस के खिलाफ में भी लिख के दिया? हाँ जी, इसमें पुलिस की पूरी मिली भगत है। बाकी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं? जी, जो अधिकारियों के बिना तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इनकी क्या औकात है, यहाँ ऐसा उल्टा सीधा काम करते हैं, यहाँ माहौल खराब कर रखा है। आप तो खुद एक जिलाध्यक्ष हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे कई बार शिकायत भी दे चुके हैं, उसमें भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, फिर आज दिए हमने। अब आपने एसडीएम साहब को ये शिकायत पत्र दिया था, तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है फिर कार्रवाई होगी? शायद, देखो, उम्मीद लगा सकते हैं, हो सकती है कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ के रहने वाले हो? चौमा के। क्या कारण है जो आप समाधान दिवस में आए हैं? जाके वजह से आए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, विधवाओं में, इसी वजह से आई हूँ मैं। चंद्र सरोवर बना ली है उनने। आप सब लोगों की जमीन एक ही है या अलग? एक ही है, एक ही है। वो चंद्र सरोवर बनाया है वो आपको बगैर सूचना दिए बना दिया गया? हाँ, बगैर सूचना बना दिया। आपको कोई मुआवजा वगैरह मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चे अभी जो अधिकारियों को आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों? उन्होंने बोला है कि जानकारी ला करके हम तुम्हें देखेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं चौमा ग्राम का, मेरा जन्म है और मैं बच्चों को खाने कमाने के लिए बाहर चला गया था वृंदावन, और बिना सूचित किए हुए मेरी ज़मीन पे और कब्जा कर लिया ग्राम पंचायत द्वारा, जाने किसके द्वारा, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे क्या बच्चे आज किराए पे रह रहे हैं। मुझे दुख है, नाती पोती हो गए, मैं आखिर कहाँ रखूँ? मेरे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि कितने वर्षों बाद, मेरी 64 साल की उम्र है, कितने वर्षों बाद एक अच्छी सरकार आई है, तो क्यों नहीं मेरे साथ न्याय हो रहा है? आखिर तो मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ न्याय किया जाए, या तो उसका क्या मतलब ये कि मुआवजा दिया जाए, या मुझको दूसरी ज़मीन दी जाए, ताकि मैं किरायों पे भटकता भटकता पूरा जीवन हो गया मेरा, आखिर इसका न्याय किया जाए। किन लोगों ने दाव रखी आपकी जमीन? पता नहीं, हमें किसी ने दाव, ग्राम पंचायत द्वारा लिखा हुआ है, बोर्ड लग रहा चौमा में है, वैसे बोर्ड लगा हुआ है, चंद सरोवर उसमें बना दिया गया है, चंद सरोवर और पार्क। क्या नाम है आपका? हेमा। कहाँ के रहने वाले हो? चौमा के थे, हमारे ससुर अब वृंदावन रह रहे हैं। क्या कर रहा है जो समाधान दिवस में आप इतनी महिलाएं और पुरुष आए हैं?
अब हम अपनी जगह लेने आए हैं, जगह कहीं भी हमारे बच्चों को रहने के लिए जगह दिलाई जाए, नहीं हमें मुआवजा दिलाया जाए जो हम अपनी बच्चों की परवरिश कर सकें, हम अपने बच्चों की जगह लीजिए, क्योंकि तीन पीढ़ी हमारी किराए पर रहते रहते निकल चुकी हैं। किन लोगों ने दाव रखी आपकी जगह? अब ये हमें पता नहीं है किसने दावी है किसने नहीं, पर लेकिन उसमें कुंड बना दिया गया है, चंद सरोवर उस पर नाम डाल दिया गया है। चंद्र सरोवर नाम के कुंड जो बनाया गया वो आपकी जमीन में? हाँ, हमारे ससुर की जगह में। आपको कुछ सूचना नहीं की? कुछ सूचना नहीं, और हमको पता भी नहीं पड़ा, हम तो अब आए हुए हैं, तो हमने पूछा था इनसे, हमारे ससुर से, कि हमारी जमीन है कहाँ है, तो इन्होंने बोला था कि चौमा में चंद्र कुंड पर। क्या नाम है आपका? हरिचंद सर जी। क्या नाम है आपका? हरिचंद सर जी। कहाँ के रहने वाले? रांधेरे। क्या समस्या है जो आप समाधान दिवस में आए? सर जी, मेरे ठाकुर ने खेत जोत लिया जी। जब खेत है ये 15-20 थे इतना जी। आपने समाधान दिवस में आके अधिकारियों को सूचित किया है? दे दिया जी, SDM साहब को दे दियो, नीचे ऑफिस में भी दियो। कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं? कई बार दे दियो जी, 4-5 बार। सर, कोई समस्या की सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई ना है रही सर जी, कोई नीचे उतार दे, कोई ऊपर उतार कर दे जी। कितनी जमीन जोत रखी है? ये 15-20 सर जी। कितने लोगों ने जोत रखी है? ये दो ने जी। क्या नाम है उनके? ये सुरेश है जी, ये गिरराज है सर जी। ये अभी आपने SDM साहब के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया SDM साहब ने? SDM साहब ने जो कही है जी, आगे जरूर भेजेंगे तेरे पास, जो कह। तो आपको उम्मीद है कि आपकी कार्रवाई होगी? मुझे तो ना है जी, ऐसे ही बैठा देंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है आपको? विश्वास ही ना है सर जी, काम ही ना आ रहा। तो आपको कोई भी विश्वास नहीं है अधिकारियों जी?